गुड मॉर्निंग गाइस, शुभ प्रभात दोस्तों। पिछली बार अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने असाइनमेंट प्रॉब्लम करके चैप्टर को समाप्त किया था। उसमें आप लोगों को मैंने एक सम होमवर्क के लिए दिया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? आंसर क्या आ रहा है उसका, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? चलो डालो चैट बॉक्स में फटाफट। मथुरा, उज्जैन, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। उज्जैन रॉन्ग, भिवंडी राइट, मथुरा रॉन्ग, वैशाली नगर जयपुर राइट। पीपल आर गेटिंग मिक्स आंसर्स। नाउ दोस्तों मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के सामने है ना जो इनिशियल मैट्रिक्स बनानी है हम लोगों को, उसमें ही आप लोगों ने लफड़ा किया होगा 100%। उज्जैन हैव गॉट रॉन्ग, भिवंडी एंड वैशाली नगर जयपुर हैव गॉट इट राइट। चैट बॉक्स थोड़ा नीचे लेना दोस्त, वो प्रीवियस चैट नहीं दिख रहे। चैट बॉक्स, चैट, प्रीवियस चैट। नाउ दोस्तों ये देखो, यहां पे देखो मैंने आप लोगों के सामने ये आंसर रखा है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स होम टाउन अगर मद्रास होगा तो एक्स्ट्रा टाइम बैंगलोर में होगा, उसका डिपार्चर टाइम के हिसाब से। होम टाउन अगर बैंगलोर में हुआ तो अराइवल टाइम, ये दोनों को मिक्स करके फाइनली ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप सबसे पहले तो इसको कॉपी करो। जिन लोगों को भी रॉन्ग आया, राइट आंसर है, आई रिपीट, राइट आंसर है 33.5। अगर आप लोगों को असाइनमेंट भी चाहिए तो मैं दे देता हूं, बट आई वुड से असाइनमेंट आप खुद से ट्राई करो, जब आप लोग मांगोगे तभी मैं दूंगा। राइट आंसर है 33.5। कमान सब लोग कॉपी कर लो दो मिनट में।
मथुरा अपना आंसर रेक्टिफाई करवा लो। मथुरा दोस्तों, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन 33.5 राजकोट आंसर चैट बॉक्स में आंसर डालो। राजकोट हाउ मच हैव यू गॉट, हाउ मच हैव यू गॉट, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर आप होम टाउन मद्रास है तो एक्स्ट्रा टाइम बैंगलोर में होगा, और होम टाउन अगर बैंगलोर होगा तो एक्स्ट्रा टाइम इन मद्रास होगा। वेरी गुड राजकोट, सुपर्ब, वेरी गुड। Those who have right answer is 33.5. Those who have not got 33.5, I'm again saying you copy all this. Rajkot, how many of you all have got it right? Very good, very good, very good. Superb, very good, Rajkot. Those who have not got it right, just copy this final layer matrix and try again. अच्छा, ऑल सेंटर विच वी हैव फिनिश कंप्लीटिंग कॉपिंग दिस टू, प्लीज राइट डन, प्लीज राइट डन, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। जल्दी करो, उज्जैन कहां पे मिस्टेक हुई थी? ध्यान रखो, चलो दो मिनट में मैं इरेज कर रहा हूं बोर्ड, अभी नेक्स्ट टू मिनट्स में मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं अभी। मथुरा डिड यू फिनिश कॉपिंग फास्ट क्विक?
नाउ अब मेरी बात सुनो दोस्तों, सभी लोग प्लीज यहां पे सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को कर रहा हूं दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया गेम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक प्लस अपनी नोटबुक सब बंद करके सामने क्लीन एकदम क्लीन कर दो, क्लोज ऑल योर नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजकोट बधाई बुक बंद कर ही दो, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन एवरीवन, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग अदर देन पेइंग अटेंशन हियर, यहां पे ध्यान दो, सिर्फ यहां पे ध्यान दो प्लीज। सब लोग उज्जैन मस्ती नहीं, भिवंडी एवरीवन वापी लुक यू, ओ पिंक शर्ट वाले भाई साहब राजकोट पची इरेज कर रहा है कुछ, वो बंद कर बुक। हाँ दोस्तों दीपक भाई मजा मत, दीपक भाई इज ऑल सेट नाउ गाइस। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके अब है ना दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर ना, हमें इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मार्जिनल इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग कीबोर्ड के ऊपर हाथ बनाए रखना, फटाफट जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दे रखना, जितना होगा जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास पर्सनली आपके ब्रांच पे आऊंगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, इस चैप्टर में वर्ड मार्जिनल का ही मतलब क्या होता है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या? कम ऑन। ओके जयपुर, जयपुर से आंसर आए और सारे आंसर्स टाइप करो दोस्तों फटाफट, कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मार्जिनल, वर्ड मार्जिनल का मतलब क्या होता है? कोई टाइप भी नहीं कर रहा है, ओके दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ड मार्जिनल का ना रियल मीनिंग है एक्स्ट्रा और एडिशनल। अगर मैं बोलूं मार्जिनल कॉस्ट है, अगर मैं बोलूं मार्जिनल कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, और इसीलिए इसको ये लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, वेरिएबल। मार्जिनल एग्जैक्टली वर्ड मार्जिनल मींस एडिशनल। नाउ दोस्तों इसके पहले कि हम लोग ये चैप्टर से स्टार्ट करें एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स ऑफ दिस चैप्टर, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर वो चैप्टर है जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईपीसीसी में, आईपीसीसी में जो आपने पढ़ा था वही चैप्टर को यहां पे एक्सपांड किया जाएगा। अब आईपीसीसी में अगर आप लोगों को याद हो तो आईपीसीसी में मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ साथ आप लोगों को एक और चैप्टर सिखाया गया था जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आई रिपीट जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब दोस्तों बात यह है कि सर हम लोग आईपीसीसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों मैं आईपीसीसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं केवल बात कर रहा हूं कॉस्टिंग की, एज फार एज कॉस्टिंग इज रिलेटेड, जब तक कॉस्टिंग है तब तक आप लोगों को याद रखना है कि कॉस्टिंग के अंदर दो प्रकार के टेक्निक्स यूज की जाती है। सबसे पहले टेक्निक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक और दूसरी टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। अब ये दोनों टेक्निक एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। जब तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आ जाता कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों टू स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए मुझे आपका बेस चाहिए, वो बेस मुझे चाहिए आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। तो जब तक हम मुझे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बेस स्ट्रांग है तब तक मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता। अगर बेस स्ट्रांग है तो हम लोग फटाफट ब्रीफ कर लेंगे, अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो मैं आप लोगों को थोड़ा नॉलेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में फर्स्ट दूंगा, जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दे दूंगा उसके सारे टेक्निक्स बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे डिफरेंटली इस प्रोडक्ट को लिया जाता है और कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अलग है। एग्जामिनेशन कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पार्ट पे दोस्तों हम लोगों को दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हाट एक सम हम लोगों को दिया जाएगा जिसमें वो लोग हम लोगों को बोलेंगे कि आप इस सम को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी सॉल्व करो और मार्जिनल कॉस्टिंग से भी सॉल्व करो। मार्जिनल कॉस्टिंग से तो शायद आप कर भी लो, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आप लोगों ने आईपीसीसी में सीखा हुआ था वो आप लोगों को किस हद तक याद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मेरा फर्स्ट एजेंडा है कि जो भी हम लोग ने बचपन में किया था उसे जाके पहले रिवाइज करें और फिर हम आगे बढ़े। अब मैं एक काम करूंगा, मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कौन बताएगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? एक काम करो राजकोट ले चलो। दीपक भाई, हेलो बोलो, बोल भाई, बोल भाई, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? हेलो, हाँ बोल बोल, हाँ बोल बोल, ओके ओके, नो एनीबडी एल्स, नो एनीबडी एल्स, पाछू बोल अच्छा मैं सिंपल अदर वे अराउंड क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे इसका जवाब दो, कितने लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बरोबर नहीं मालूम? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बरोबर नहीं मालूम, हाथ ऊपर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं मालूम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं रिवाइज करो, ठीक है। दीपक को मालूम है, आंसर तो दिया नहीं, नॉनसेंस, आंसर तो दिया नहीं, नॉनसेंस, वापस आ जाओ, वडोदरा लेके जाओ, जल्दी वडोदरा लेके जाओ एंड देन वी विल स्टार्ट। उज्जैन, हाँ उज्जैन अभी भी खिड़की में देख रहा है, यस सर, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक इन कॉस्टिंग इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट व्हिच कैन नॉट बी एलोकेटेड डायरेक्टली टू एनी प्रोडक्ट, for example labor expenses or material expenses or which cannot be allocated directly, it's a fixed an expense which has to be incurred to sell that product or to manufacture it. nahi but labor or material to directly incur hota na dost, labor material kahan pe aa gaya isme? nahi like any expense which is substituting to like it is a subordinating that thing, it's not theek hai I'll handle, don't worry, it is required for that, theek hai, no problem, good, fair enough, thank you, I'll handle, come back to Mumbai. Now दोस्तों सबसे पहले तो बात ये निकलती है कि सर हम लोग कर क्या रहे हैं। मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग ही शुरू करने वाला हूं, बट दोस्तों पहला ही सम हम लोगों को ऐसा आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। जब तक आप लोगों को बेसिकली ये मतलब नहीं समझ में आ जाता कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले तो हम लोगों को प्राइमर फेसिली समझना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, मैं 1 2 3 4 टुकड़ों में फटाफट खत्म करने की कोशिश करूंगा, आप लोग सिर्फ अटेंशन दीजिएगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? सर जी आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को कोई भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो कर रहे हो, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं पेन, अगर मुझे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है पेन, तो इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मैं रोड पे चला तो गया पेन, और वहां पे ये उज्जैन की दो लड़कियां घूम रही थी और उन्होंने बोला सर ये तो वही सर है जो हमें कॉस्टिंग सिखाते थे। तो वो लोग बोले कि सर आप इधर क्या कर रहे हो, मतलब दिख नहीं रहा पेन बेच रहा हूं। अब जब वो पेन बेच रहा हूं तो वो लोग खुश हो गए, बोलते सर हमें भी ये पेन चाहिए। अगर वो लोगों को ये पेन चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क मी, सबसे पहला प्रश्न वो लोग मुझे पूछेंगे क्या? वो लोग सबसे पहला प्रश्न मुझे ये पूछेंगे कि सर ये पेन कितने की है, आई रिपीट सर ये पेन कितने की है। और तब जाके मैं उसको बोलूंगा कि बेटा आप एक काम करो, इस पीस ऑफ पेपर पे आपका नाम और नंबर लिख दो। क्यों? क्योंकि मुझे इस पेन की सेलिंग प्राइस नहीं पता, जब साल खत्म हो जाएगा तब मैं पीएनएल बनाऊंगा, और पीएनएल में होता ना डेबिट साइड क्रेडिट साइड, फिर मैं प्रॉफिट निकालूंगा और तब जाके आपको उसका सेलिंग प्राइस बता के आपके पास से पैसे लिखूंगा। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? आप मुझे बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, आप कौन से डे पे एस्टिमेट करोगे, ऑन व्हिच डे विल यू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट डे और लास्ट डे? आई रिपीट फर्स्ट डे और लास्ट डे, बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आप कौन से डे पे एस्टिमेट करोगे, फर्स्ट डे और लास्ट डे? 100% आपको सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट डे। इनफैक्ट जयपुर से बहुत अच्छा आंसर है सर, बिफोर फर्स्ट डे। अगर आप लोगों को सेलिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप लोग एस्टिमेट करना शुरू करोगे। जब आप एस्टिमेट कर रहे हो, आप लोग समझने की कोशिश करना, जब आप लोग एस्टिमेट कर रहे हो तो आप लोग क्या सोच के एस्टिमेट करोगे, आपका सबसे पहला एस्टिमेट, सर मुझे पेन बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, तो मैं सोचूंगा डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए, तो वो मेरे को बताया सर डायरेक्ट मटेरियल है ना, इस पेन को बनाने के लिए ना 100 रुपए किलो का मटेरियल मिलता है। आई रिपीट ध्यान से सुनना, इस पेन को बनाने के लिए 100 रुपए किलो का मटेरियल चाहिए। पर मैंने बोला कि पागल आदमी मेरे को ये एक पेन बनाने के लिए कितना किलो चाहिए, बोले सर एक किलो में 10 पेन बन सकते। आई रिपीट 100 रुपए किलो मेरे को इस पेन का रॉ मटेरियल मिल रहा है और 1 किलो पेन से 10 पेन बन सकती है, तो आप मुझे बोलो एक पेन का कितना हुआ खर्चा, हाउ मच कॉस्ट फॉर वन पेन एज फार एज रॉ मटेरियल इज कंसर्न, हाउ मच कॉस्ट, 10 रुपया। तो मेरे को डायरेक्ट मटेरियल लग गया 10 रुपया। उसके बाद मैं सोचूंगा सर लेबर भी चाहिए। ओके चलो डायरेक्ट लेबर को बुलाओ, लेबर को मैंने पूछा लेबर तू 1 घंटे का कितना लेगा, बोला सर मैं 1 घंटे का 50 रुपये लूंगा। मैंने बोला कि भाई तू 1 घंटे का अगर 50 रुपये लेगा तो ये तो बता तू 1 घंटे में कितनी पेन बनाएगा, बोला मैं 1 घंटे में 5 पेन बना दूंगा। अगर वो 1 घंटे का 50 रुपये ले रहा है और 1 घंटे में वो हमें 5 पेन बना के दे रहा है दोस्तों, तो आप लोग समझने की कोशिश करो वापस मेरा कॉस्ट हो गया 10। वैसे ही जो मेरे वेरिएबल ओवरहेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो तभी काम करेगी जब मैं काम कर रहा हूं। जिस दिन मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, यानी कि लेबर फैक्ट्री बंद करके घर पे जा रहे हैं, तो तभी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इनकर नहीं होगा। वैसे अन्य कोई भी ओवरहेड्स है जो वेरिएबल ओवरहेड है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ वेरी करेंगे, या तो फिर वो फिक्स नहीं है, तो हम लोग उसे भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसका प्रेडिक्शन हम लोग यहां पे लिख देंगे 10। दूसरी बात, अब दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करो, 10 रुपया डायरेक्ट मटेरियल, 10 रुपया डायरेक्ट लेबर, 10 रुपया वेरिएबल ओवरहेड, ये मुझे प्रति यूनिट पता चल गया। अब जो फिक्स कॉस्ट है, आप मुझे बोलो फिक्स कॉस्ट है जो पीरियड कॉस्ट है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट होता है? हाँ जवाब दो दीपक भाई, फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है? 101% फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका पीरियड कॉस्ट, यानी कि आप लोग एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो रेंट जो है वो है 1 लाख रुपए का। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए का। अब मैंने एस्टिमेट ही कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 1 लाख जितने का फिक्स कॉस्ट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो मेरा फिक्स ओवरहेड हो गया 1 लाख रुपए। अब समझने की बात है कि अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो,
अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप उससे प्रॉफिट भी एस्टिमेट करोगे। तो मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं एस्टिमेट करके, मैंने बोला था कि हर एक प्रोडक्ट से मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूं 10 रुपए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, फर्स्टली ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब भी आप लोग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे, आप लोगों का इंटेंशन क्या होगा? खाली फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है, या बोथ? आई रिपीट, फिक्स्ड